हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। दमोह सांसद एवं केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल के प्रयासों से जिले के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र सिंगौरगढ़ के लिए एक विशेष पैकेज पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के लिए मंजूर किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 26 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस पूरी राशि से सिंगौरगढ़ किला, नज़ारा व्यू पॉइंट, निदान फॉल सहित अन्य क्षेत्र को सुंदर व पर्यटन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाया जाएगा। पर्यटकों के आवागमन की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के आदेश पर वन विभाग और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने पूर्व में कलेक्टर तरुण राठी के साथ सिंगौरगढ़ किला और उसके आसपास के सभी पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया था और इसकी पूरी कार्य योजना बनाकर मंत्रालय को भेजी थी। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के निवेदन पर पेट्रोलियम मंत्रालय से यह 26 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इस राशि से सिंगौरगढ़ किला को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने और निदान फॉल, नज़ारा व्यू पॉइंट के पास पार्किंग, कुर्सी, बेंच, कैफेटेरिया, सोलर पैनल सहित रेस्ट हाउस निर्माण के साथ अनेक विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि 7 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीरांगना रानी दुर्गावती की पहली राजधानी सिंगौरगढ़ आएंगे, जो वहां पर 30 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। निश्चित ही अब देश के नक्शे पर सिंगौरगढ़ किला एवं अन्य क्षेत्र पर्यटन के रूप में नजर आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 7 मार्च को रानी दुर्गावती जी की पहली राजधानी सिंगौरगढ़ में होने वाले उत्थान के कार्यक्रम में, उसमें संरक्षण भी है, संवर्धन भी है, 30 करोड़ के लगभग इस कार्य का भूमि पूजन करेंगे। आल्हा के पत्नी के नाम से दमोह की विरासत बाला बेला ताल में 10 करोड़ रुपए का जो काम हो रहा है उसका भी भूमि पूजन महामहिम करेंगे और 2 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गांधी लोहिया और दीनदयाल जी की ताम्र प्रतिमाएं जो एक साथ स्थापित की जा रही हैं उसे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो जबलपुर का जोन ऑफिस है, सर्किल ऑफिस है, उसका लोकार्पण महामहिम करेंगे। जनजातीय वर्ग के बीच में महामहिम की उपस्थिति दमोह के यश और गौरव गान का अभिनंदन है। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्य के लिए पैसा, चूंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 26 करोड़ दिया है, बाकी पैसा संस्कृति मंत्रालय का होगा, उस बात के लिए मैं पेट्रोलियम मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रानी दुर्गावती सिंगौरगढ़ किला जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, वीरांगना रानी दुर्गावती का यह है लोकप्रिय गढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में कई बार मुगलों से युद्ध भी हुआ है, परंतु रानी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और मुगलों को 3 बार यहाँ से परास्त किया। और ये किले की उनकी सुंदरता जो बनी हुई है, उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए दमोह के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल के प्रयासों से हम सब ने जाकर वहाँ पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की और निमंत्रण दिया सिग्रामपुर आने के लिए। तो सहर्ष उन्होंने स्वीकृति दी, तो 7 मार्च को सिग्रामपुर पहुँच रहे हैं। वनवासी क्षेत्र के लोगों से उनकी चर्चा होगी और जो रानी दुर्गावती का साम्राज्य फैला हुआ था, जहाँ जहाँ उनके अभिशेष हैं, जहाँ जहाँ उनके चिन्हित स्थान हैं, उसका लोकार्पण कार्यक्रम होगा। यह पहला अवसर है कि इस धरोहर को सजाने और संवारने के लिए प्रहलाद जी ने अपना पूरा योगदान दिया है और जो प्रयास किया है वह सफलता की ओर है। रानी दुर्गावती की गाथा हम जब सुनते हैं तो हम लोगों के रोम से खड़े हो जाते हैं, जिसका वास्तव वीरांगना नाम दिया गया था। उन्होंने वीरांगना के साथ
मुगलों को परास्त किया और अंतिम लड़ाई लड़ते लड़ते वो जबलपुर के पास नरी नाला के पास पहुंची और वहां जब वो घिर गई तो उन्होंने साहस न खोते हुए अपने आप को कटार मान ली और अपनी कुर्बानी दे दी। यह उनका इतिहास है। उस इतिहास को कायम रखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रहलाद पटेल जी का, जिन्होंने अपने प्रयास से रानी दुर्गावती संगण किले को यथावत रखने का प्रयास किया है और वह सफल भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धनराशि जो पहले हम लोगों को मालूम था कि 12-14 करोड़ का होगा, परंतु उन्होंने जब पूरा वहाँ का अवलोकन किया तो उसमें राशि अधिक खर्च होने थी, तो उनके प्रयास से पेट्रोलियम मंत्री के माध्यम से 26 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बाकी अन्य राशि माननीय प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से लगेगी और उसमें हमारा जोगन कुंड भी जोड़ा गया है, जो मटक कुंड है उसका भी प्रयास चल रहा है कि 2 करोड़ की राशि उस पर भी खर्च होना है। यह सारा जो माननीय कलेक्टर तरुण राठी के माध्यम से एकत्रित किया गया है, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रहलाद जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS DNV, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियाबाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर में जकड़न एवं जन्मजात पैरों में टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू से राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे।